ठीक है, इधर आ जाओ मेरे पास। सब कुछ ठीक है बेटा, अब रोने की कोई जरूरत नहीं है। और इनको यहाँ से लेकर चले जाओ, इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। चले जाओ, दोबारा हमारी जिंदगी में कभी मत आना बेटा। जी हो तुम ऐसे देखते रहोगे, ये सब तुम्हारे माम को तुमसे दूर लेकर जा रहे हैं। जो बेटा रुको, इन्हें मैं नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। माम ने आपको पहले सोचना चाहिए था, अगर आपने बुरे काम नहीं किए होते तो ये दिन नहीं आता। जो बेटा सब तुम क्या कह रहे हो, तुम इनकी फैमिली की तरफ से बोल रहे हो? आरम तुम तो समझो, मैं नहीं जाना चाहती। आपको आपके कर्मों की सजा मिल रही है, आप इन्हें यहाँ से लेकर चले जाइए। चलो हमारे साथ, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। चैनशा अकेले नहीं जाएगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगा, क्योंकि मैंने भी आरम के साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। मैंने भी शुचन के कहने पे बहुत कुछ किया है। इट्स ओके भाई, कोई बात नहीं। नहीं आरम, बराबर का हिस्सेदार मैं भी हूँ, सजा के लिए शुचन को क्यों मिले? तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है अपने भाई के ऊपर। तुम और मीनू दोबारा दोस्ती कर लो, क्योंकि मेरी गलती थी। शुचन और मेरी वजह से तुम दोनों में गलत फहमियाँ पैदा हो गई, जिस वजह से तुम दोनों में लड़ाई हुई। मुझे माफ कर देना आरम। भाई जो कुछ किया है भाभी ने किया, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, तो फिर आप अपने आप को सजा क्यों दे रहे हो? नहीं आरम, मुझे जाना होगा। अब वो घर, कंपनी, सब कुछ तुम्हारे नाम पे है। मैंने सब कुछ तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर कर दिया है, सब कुछ तुम्हारा है। डैड प्लीज आप मत जाओ। बेटा जेहब मुझे जाना होगा, अपना और हारी का ध्यान रखना। चलो अब तुम दोनों हमारे साथ। फिर पुलिस जेहब के मॉम डैड को वहाँ से ले जाती है। आंटी को पुलिस कहाँ लेकर चली गई? बेटा जहाँ उन्हें जाना चाहिए वहीं पर। वी आर यू ओके? जंगकुक मुझे बहुत पेन हो रहा है, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। वी क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो अपनी प्लीज। तुम्हें कुछ नहीं होगा वी, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। चलो सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। फिर जंगकुक वी को लेकर वहां से हॉस्पिटल जाता है। इतना सब कुछ हो गया और आप लोगों ने हमें बताना जरूरी भी नहीं समझा? अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो? सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को बताने का समय ही नहीं मिला। माफ कीजिएगा पर अब सब कुछ ठीक है। बस मेरी बेटी ठीक हो, उसे कुछ ना हुआ हो। आप फिक्र मत करो, वे ठीक होगी, डॉक्टर देख लेना उसे। बस सब कुछ अच्छे से हो जाए। समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है अंदर, इतना टाइम हो गया डॉक्टर को। जंगकुक शांत हो जाओ, डॉक्टर चेक कर रहे हैं ना, सब कुछ ठीक होगा। सॉरी डॉक्टर, मम्मा को अंदर क्यों लेकर चले गए? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई या फिर तुम्हारी छोटी बहन आने वाली है। जिमिन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं शुगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे ना वी के लिए बहुत डर लग रहा था, क्योंकि उसे बहुत पेन हो रहा था, पर अब सब कुछ ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी हो आप क्या सोच रहे हो, आप किस लिए परेशान हो? काश मॉम ने ये सब कुछ ना किया होता हारी, आज मॉम और डैड हमारे साथ होते। आई नो, मैं जानती हूँ आपको कितना हर्ट हो रहा होगा। मैं अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करता हूँ हारी। अभी मैं आपके पास हूँ, फिर बाद में डैड भी आ जाएंगे। कम मेरे पास आओ, आओ भी मेरे पास। प्यार नहीं करते का मुझसे? ओह कम ऑन, उदासी छोड़ भी दो, डैड बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे। थैंक गॉड तुम मेरे पास हो, अगर तुम नहीं होती तो क्या होता? काफी टाइम हो गया, डॉक्टर्स को काफी टाइम लग रहा है। डॉक्टर इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, बहुत देर हो गई है। एक्सक्यूज मी, पेशेंट के हस्बैंड कौन है? मैं हूँ, क्या हुआ, वो ठीक तो है ना? शी इज फाइन एंड कांग्रेचुलेशंस, बेबी गर्ल हुई है। क्या कहा, बेबी गर्ल? सच में मेरी बेटी हुई है? ओह माय गॉड, सच में बेबी गर्ल हुई है? हाँ, आप चाहे तो अपनी वाइफ से मिल सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं वी को देख कर आता हूँ। फिर जंगकुक वी के पास जाता है। वी आर यू ओके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जंगकुक। तुमने कुछ सुना, डॉक्टर ने क्या कहा? बेबी गर्ल हुई है, मेरी प्रिंसेस। हाँ जंगकुक तुम खुश हो? बहुत ज्यादा भी, थैंक यू सो मच। यकीन नहीं हो रहा, मैं इसे अपने हाथों में लेने वाली हूँ।
ओह माय गॉड, जंकू की कितनी छोटी है देखो। वी, ये तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तुम्हें पता मैंने इसका नाम सोच लिया। तुमने नाम सोच लिया, पर मैं इसका नाम रखने वाला था। मैं इसका नाम ते रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये और कोई नहीं मेरी दी है जो मेरे पास वापस आई है। ते, बहुत अच्छा, मेरी बेटी का नाम यही होगा। ते, 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 तुम बहुत क्यूट हो। तुम लेना चाहते हो बेबी को अपने हाथों में? ऑफ कोर्स अपनी बेटी को मैं अपने हाथों में लेना चाहता हूँ। यहाँ क्या हो रहा है, हमें भी तो खिलाने का मौका मिलना चाहिए। मैंने कहा था ना सबसे पहले बेबी मेरे हाथों में आना चाहिए, और फिर जिमिन के बाद मैं उसे अपने हाथों में लूंगा। अभी मैंने उसे अपनी गोद में ले रखा है, तुम लोग बाद में अपना नंबर लगाना। ये हमारे खानदान की पहली लड़की है, तुम्हें पता भी कितनी लाडली है। मम्मा मेरी सिस्टर। सिस्टर को लेना चाहते हो? मम्मा कुकी को भी सिस्टर को गोद में उठाना है। नहीं बेटा, अभी वो बहुत छोटी है, तुम नहीं उठा पाओगे उसे। कुकी को सिस्टर चाहिए, कुकी को उसे गोद में उठाना है। बेटा वो गिर जाएगी तुम्हारे हाथों से। कम ऑन जंकुक, दे दो कुकी को, वो भी उसकी बहन है, वो भी लेना चाहता उसे। कुकी बेटा पहले बैठ जाओ, फिर तुम्हारी सिस्टर को देते हैं तुम्हारी गोद में। आराम से बैठ जाओ पहले। अब दो कुकी को सिस्टर जल्दी, कुकी उसे अपनी गोद में लेना चाहता है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आराम से उठाना, गिराना मत इसे। ये लो, आराम से लेना। ओके, कुकी की सिस्टर तो बहुत ज्यादा क्यूट है। मम्मा ये बहुत छोटी है, ये मेरे साथ कैसे खेलेगी? जब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब आपके साथ खेलेगी। ये तो सो रही है, ये बोलती क्यों नहीं है कुछ भी? अभी वो बहुत छोटी है, बात नहीं कर सकती। आप उसे अभी बस ऐसे ही खिला सकते हो। कुकी को उसकी छोटी सिस्टर बहुत क्यूट लगी, ये बहुत प्यारी है। अरे हटो भी, अब उसे मेरे हाथों में दो। वी, पर मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था। अभी सब लोग बारी बारी से आराम से खिला लेना, फिर ऐसे ही सब लोग बेबी को बहुत प्यार करते हैं। आंखें तो बिल्कुल वी पे गई हैं। नहीं, नाक देखो जंकू की तरह है। ओह वी, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत ज्यादा सुंदर हैं। बिल्कुल वी की तरह दिखती है ना? अब मैं इसकी रोज फोटोज क्लिक करूंगी, रोज व्लॉगिंग करूंगी। तुमने सच में इसका नाम बहुत अच्छा रखा है ते। मेरी बेटी कितनी सुंदर है ना? जब मेरी बेटी जिमिन हुई थी तब मैं भी बहुत ज्यादा खुश था। मुझे इसकी उंगलियां देखनी है, दिखाओ ना जरा। मेरी प्रिंसेस के हाथ कितने छोटे हैं ना? इसके हाथ कितने सॉफ्ट हैं। आई, कितनी क्यूट है। चलो भी, अब मुझे भी दो इसे। क्यों नहीं शुगा, ये लो। ये लो, इसे थोड़ा आराम से लेना। आओ बेटा अपने चाचू के पास। शुगा बेटा संभाल के, वो गिर ना जाए। इतना शौक है तो तुम भी क्यों नहीं कर लेते? अभी मुझे और जिमिन को नहीं करना बेबी। चलो इसे इधर मेरे पास दो, मुझे भी खिलाना है। आओ, कितनी प्यारी है ये। वही फीलिंग आ रही है जब मैंने कुकी को अपने हाथों में लिया था। आप सब मुझे क्यों नहीं दे रहे हो बेबी को? बेबी को लेने का इतना ही शौक है तो खुद का भी बेबी कर लो ना एक। मम्मी जी प्लीज, अब इसे दो ना। ये लो, ले लो। आ, ये कितनी क्यूट है। जब ये बड़ी हो जाएगी ना तब मैं इसके साथ ब्लॉगिंग किया करूंगी और इसे भी सिखा दूंगी। आरम, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए? हाँ, तुमने ठीक कहा मीनू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया। आई एम सो सॉरी मीनू। माफ कर दूं? तुम्हें पता भी उस टाइम मुझे कितना बुरा लगा था? हाँ तो मुझे नहीं पता था, इसमें मेरी क्या गलती? पापा बस कीजिए, अब मत लड़िए ना। जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाइए सब कुछ, अब दोस्त बन जाइए आप दोनों। मेरी बेटी के कहने पे मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं आरम, हो जाती कभी कभार गलती। आई एम सॉरी मीनू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया। मुझे भी माफ कर देना, मैंने भी तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। मुझे माफ कर देना मीनू, मैंने तुम पे विश्वास ना करके बहुत बड़ी गलती की। बहुत बढ़िया हुआ जो आप दोनों में फिर से दोस्ती हो गई।
मेरी प्यारी डॉल, ये लो, ये चाहिए आपको। बेबी, डैडी को देखो इधर। किसी करो। ऐसे देखते रहेंगे और क्या, तुम्हें लगता है जंकू के होते हुए वो हमें मिल सकती है? माना वो उनकी बेटी है, पर के सारा दिन वही खिलाते रहेंगे उसे। बेटा क्लिप क्यों निकाल दी अपनी, कितनी क्यूट लग रही थी मेरी बेटी, चलो दोबारा लगा लो इसे। ओह मेरा प्यारा बच्चा, चलो इधर आओ पापा के पास। वी बेटा अच्छा हुआ तुम आ गई, अब जंकू से कहो कि हमें भी दे दे उसे, हम भी खिलाना चाहते हैं। जंकू तुम तो ऑफिस गए थे, तुम घर पे क्या कर रहे हो? जरा बताओ कि तुम घर कब वापस आए? मुझे मेरी प्रिंसेस की याद आ रही थी, इसलिए यहाँ पर चला आया उससे मिलने के लिए। तुम ऑफिस का सारा काम छोड़ के यहाँ पर अपनी बेटी से मिलने के लिए आए हो? जंकू अगर तुम यहाँ पर हो तो ऑफिस कौन संभाल रहा है? शुगर है ना, थोड़ी देर वो संभाल लेगा, मैं तो बस अपनी बेटी से मिलने आया था। तुम सारा काम शुगर के सर पे डाल के आ गए। वही मैं सोचती हूँ कि मेरा बिल्लू इतना लेट क्यों आता है रात में। लाओ तेरे को इधर दो, बहुत खिला लिया तुमने, अब जाओ ऑफिस। मुझे उसे दूध पिलाना, उसे भूख लग रही, इधर दो उसे। पापा है ना, पापा किस काम आएंगे? पापा दूध पिला देंगे अपनी प्रिंसेस को। अब पापा प्रिंसेस को दूध पिलाएंगे, ये लो। सिस्टर के साथ कुकी को तो टाइम ही नहीं मिलता अपनी सिस्टर के साथ खेलने का। कुकी बिल्कुल ठीक कह रहा है, डोंट बी सैड बेटा, आओ मम्मा है ना, मम्मा के साथ खेलते हैं। वो अपने पापा के साथ कितनी खुश रहती है, तेते जंकू के साथ बहुत खुश रहती है। ये सो गई है, जाओ इसे लिटा दो। अब मुझे क्यों दे रहे हो, जाओ ना उसे लिटा के आ जाओ। ओके मैं इसे सुला के आता हूँ अभी। आराम से। आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया, प्लीज शोर मत करो, मेरी बेटी सो रही है, उठ जाएगी वरना। इन्होंने उसके साथ इतना खेला कि वो थक गई और सो गई, अब हमारा तो नंबर ही नहीं आया। अब ये सो रही है, अब मैं ऑफिस चलता हूँ। फिर जंकू वहां से ऑफिस चला जाता है, गधा कहीं का, उसे सुला के चला गया। इतनी देर से तारे गिन रहे, पर गिने ही नहीं जा रहे। तारे गिनना छोड़ो और मुझ पे ध्यान दो। मुझे भी छोटा बेबी चाहिए, सारा टाइम तुम्हारे भैया उसे खिलाते हैं तो मुझे खिलाने का टाइम ही नहीं मिलता। बस इतनी सी बात, तुम्हारी विश तो मैं ऐसे ही पूरी कर दूँ। दिल कहे कि आज तो छुपा लो तुम, पनाहों में के डर है तुमको खो दूंगा। दिल कहे संभल जरा खुशी को ना नजर लगा। अब उदास भी मत बैठे रहो इतना, आपकी इतनी खूबसूरत वाइफ आपके सामने बैठी और आप मुंह लटका के बैठे हुए हो इस तरह। बस मॉम और डैड के बारे में सोच रहा था। आपको भी ये बात अच्छे से पता है कि उन्हें उनके किए की सजा मिल रही है। हाँ जानता हूँ हरी, अगर तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या होता मेरा। आज तुझसे जो कहना है कहने दे, तेरा दिल मेरे पास रहने दे, तेरा दिल मेरे। कहीं ना कहीं मुझे लगता है गलती मेरी है, मैं अपने बड़े भाई को ही नहीं समझ पाया।
पर ये तो अच्छा ना कि आपके भाई बुरे नहीं थे। तुमने ठीक कहा जिन, मेरे भाई सबसे अच्छे थे। इस तरह बाहर बैठ के चांद देखना कितना अच्छा लग रहा है ना जंकुक। वैसे तुम्हें नहीं लगता आज की रात को ज्यादा ही खूबसूरत है? ये चांद देखो आज जैसे और भी ज्यादा सुंदर है। है पर तुमसे ज्यादा नहीं। वैसे भी हमें देखकर बहुत खुश हो रही होंगी ना ऐसे। ती मुझे बहुत याद आ रही उसकी। एक समय था जब हम दोनों साथ में थे, कभी ना छोड़ने का वादा किया था उसने मुझसे। पता नहीं था इतनी जल्दी अलग हो जाएंगे हम। जंकुक डोंट बी सैड, मैं हूँ ना और वो यहीं पर है हमारे पास हमारी बेटी के रूप में। मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, मर भी गई ना तब भी वापस आ जाऊंगी। प्लीज ऐसा मत बोलो, मुझे डर लगता है। हमारा रिश्ता कभी ना टूटने वाला रिश्ता है, अनब्रेकेबल बॉन्ड। अच्छा ठीक है, बस बहुत हो गया, कितनी इमोशनल बातें करते हो तुम भी। आई एम सॉरी, अब नहीं करूंगा। ओके आई लव यू वाइफी, हम साथ में रहेंगे हमेशा। आई लव यू टू जंकुक। Thank you.